देखिए ये कार उन्होंने बनाई है। इस कार का लुक देखिए, तो हमारे साथ मौजूद है वह व्यक्ति जिन्होंने इस कार को बनाया है। आइए इस कार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। जी मेरा पूरा नाम राजेंद्र कुमार जाधव है और एक नाम मेरा श्रीराम भी है और एक नाम दासाब भी है। क्या ख्याल आया कि मैं ये कार बनाऊं? ये प्रेरणा वहाँ से मिली कि मैं 20 साल तक मैंने मोटरसाइकिल बुलेट चलाई लेकिन वो बरसात सर्दी और रोग से बचाती नहीं थी और उससे बचने के लिए फिर मैंने कार बनाई और ऐसी कार बनाई जो सस्ती हो और सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए हो। अच्छा ये कार अब तक आपने अभी तक कहाँ कहाँ प्रदर्शित की है, किसी को बताई है आपने? कंपनी वालों ने आपसे संपर्क किया है? अभी तक कोई कंपनी वालों ने अभी तक तो कोई संपर्क नहीं किया है। और इसके पार्ट्स आपने कहाँ से असेंबल किए हैं? मतलब कुछ पुराने पार्ट्स है, कुछ नए बनाए हैं, कुछ गियर नए बनाए हैं और सब मिला के कंप्लीट की है कार। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? 12वीं तक। मैं कार के बारे में कुछ और विस्तार से बताना चाहता हूँ। कार की लंबाई 7 फीट है और चौड़ाई 3 फीट है और इसकी रफ्तार के ऊपर और इसकी जो है साइज है जो 3 फीट चौड़ी होने की वजह से पलटी खाने के डर से इसमें टायर छोटे दिए गए ताकि गुरुत्वाकर्षण बना रहे। कार का नाम है छोटी अप्सरा एल्फिन और इसकी साइज है 7 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी और इसके जो टायर की साइज है 3 फीट चौड़ी होने की वजह से जो टायर की जो साइज है वो 3.50/8 है। जिसके बाद भी इसमें है ना बैटरी लो होने की लो ना हो इसलिए इसमें LED बल्ब दिए हैं और इसके बाद में इसमें अभी रिवर्स गियर डाला नहीं है। रिवर्स गियर डालने में कम से कम 6 महीने लगेंगे और इस फोर्थ गियर यानी कि 4 गियर आगे की ओर है और इसके छोटे टायर जो देने की वजह है वो है कि 50 की रफ्तार से चलने पर भी यह पलटी खाएगी नहीं और ये 2 सवारी के लिए है, एक ड्राइवर और एक पीछे सवारी। मूल्य है लगभग 1,25,000 और ये 1 लीटर डीजल में 50 किलोमीटर चलती है और ये सेल्फ स्टार्ट है। इसमें कौन से इंजन लगे हुए हैं? इसमें 5 हॉर्सपावर का ग्रेविस का इंजन लगा हुआ है। कार के बारे में और मैं बताना चाहता हूँ, कार का वजन 250 किलो है यानी कि बुलेट मोटरसाइकिल से 50 किलो ज्यादा।